माननीय सांसद चिराग पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम स्पीकर कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने पार्टी की तरफ से अपने विचारों को रखने का मौका दिया। मैडम, मैं नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस विधेयक के समर्थन में अपने विचारों को रखने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैडम स्पीकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर इस सदन में काफी समय से बहुत सारी चर्चाएं हुई और सबने अपने अपने विवेक से, अपनी अपनी बुद्धि से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यहाँ पर रखी। पर मैम, मैंने जितना इस बिल को पढ़ा है, जितना इस विधेयक को समझा है, मैं पूरे यकीन के साथ कम से कम इस बात को कह सकता हूँ कि ये बिल कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता के विरोध में नहीं है, उसके विपरीत में नहीं है, ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है। मैडम, इस विधेयक को लाया क्यों गया, पहले हम लोगों को इस कारण को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम लोग चर्चा करते करते इतनी चीजों को हम लोगों ने इसमें मिक्स कर दिया है कि इसके मूल स्वरूप पर ही हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि तीन अलग अलग देशों से जो नागरिक, जो कि वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उनको यहां पर नागरिकता दी जाए, ना कि भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा हो रही है। ये दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की चर्चा हो रही है। इससे भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। ये भ्रमित किया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, इस बिल के आने से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी चिंताएं बढ़ जाएंगी। मेरी समझ के परे कि इस बिल का क्या लेना देना है, इस बिल का कुछ लेना देना नहीं है भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के। इस बिल का लेना देना है जो तीन ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां के, और वो ऑलरेडी मुस्लिम बहुल देश हैं, पर वहां पर देखा गया है कि किस तरीके से। मैम स्पीकर, मैं एक रिपोर्ट दूंगा 5 अक्टूबर की, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, जिसमें प्रमुखता से इस बात को कहा गया है कि किस तरीके से गैर मुस्लिम आबादी, पाकिस्तान की जो गैर मुस्लिम आबादी है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत में लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन दे रहा है, और भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भी ये तादाद रोज बढ़ती जा रही है। तो ये अपने में ये दर्शाता है कि किस तरीके से दूसरे देश के जो माइनॉरिटीज हैं, वहां पर धार्मिक तौर पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। यहां पर सवाल उठाए कि भैया फिर क्यों नहीं पाकिस्तान में जो सिया हैं या अहमदी हैं, उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रही। यहां पर भी हम लोग को समझने की जरूरत है कि जब हम पाकिस्तान के सिया या अहमदिया समुदाय की बात जब हम लोग करते हैं, तो वो उन्हीं के धर्म को अलग अलग समझने वाली विचारधाराओं की बात है। उसको धार्मिक उत्पीड़न से जोड़ के देखना कतई सही नहीं होगा। उनका एक अपना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, एक ही धर्म का अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, उसको आप धार्मिक उत्पीड़न के साथ आप उसको नहीं दे सकते। इसीलिए मैडम स्पीकर, मैं इस विधेयक का जहां एक तरफ मैं पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं, वहीं मैं हमारे गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की जितनी चिंताएं थी, हकीकत है हम लोगों की भी चिंताएं थी, हम लोगों ने भी केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक हैं जो कि मणिपुर सरकार में मंत्री हैं, उनकी अपनी चिंताएं थी, उन्होंने अपने राज्य की तरफ से हमें सुझाव भेजे थे, और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कि उन्होंने तमाम इन सुझावों का उन्होंने सम्मान किया, हमारी जितनी भी चिंताएं थी उसका उन्होंने सम्मान किया। और अंत में मैडम स्पीकर, ईमानदारी से मेरा विश्वास हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैडम स्पीकर पिछले 5 सालों में भी यह भ्रम फैलाया गया था। 2014 के चुनाव में निरंतर यह भ्रम फैलाया गया था कि एनडीए की सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी तो ये हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ये अत्याचार बढ़ जाएगा, जबकि हकीकत है कि पिछले 5 सालों में देश जितना सुरक्षित रहा, इतना इतिहास के 70 सालों में नहीं रहा। कोई एक बड़ा आतंकी हमला हमारे देश में नहीं हो पाया। ये ताकत है हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी केंद्र की सरकार की। तो पुनः अपना विश्वास हमारे प्रधानमंत्री पर जाहिर करते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पे अपना विश्वास जाहिर करते हुए, मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से नागरिकता संशोधन विधेयक का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। धन्यवाद मैडम स्पीकर।